तो दोस्तों आज 4 मई 2020 सोमवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। कल घोषित होगी जेईई नीट की परीक्षा तिथि। आपको बता दें जेईई और नीट की परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा 5 मई को होगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को देश भर के छात्रों से वेबिनार से चर्चा के दौरान कोरोना से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। आपको बता दें निशंक ने कहा है हमें छात्रों की पढ़ाई के साथ यह भी ध्यान रखना है कि वे मानसिक रूप से सशक्त रहें। 12वीं कक्षा का रिजल्ट कम रहने पर 434 व्याख्याताओं को नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब। आपको बता दें शिक्षा सत्र 2019 में 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंडों से कम रहने पर राज्य के 434 व्याख्याताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक ने 434 व्याख्याताओं की सूची जारी कर बोर्ड परीक्षा 2019 का 12वीं कक्षा का रिजल्ट विभाग के मानकों से कम रहने का कारण पूछा है। सामान्य प्राध्यापकों की पात्रता पीजी संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 48% अंकों की बाध्यता। लॉकडाउन के कारण फिलहाल परीक्षा पर संशय बरकरार, इस बीच पात्रता पर उठे सवाल। आपको बता दें प्रदेश में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के अलग अलग मापदंड सामने आए हैं। प्राध्यापकों की भर्ती का जिम्मा आरपीएससी को सौंपा गया है। आपको बता दें आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा के प्राध्यापकों की भर्ती के लिए मात्र पीजी डिग्री मांगी गई थी, जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में पीजी के साथ 48% अंक भी अनिवार्य किए हैं। आयोग का कहना है कि शैक्षिक योग्यता व पात्रता संबंधित विभाग निर्धारित करता है। आपको बता दें आयोग के द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा माध्यमिक परीक्षा 2018-19 के तहत प्राध्यापकों के 5000 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई है। परीक्षार्थियों का कहना है कि जब समान पद और समान काम तो फिर पात्रता अलग अलग क्यों। इसी के साथ आपको बता दें लॉकडाउन 2-3 मई तक समाप्त होगा, इसके बाद अब लॉकडाउन 3 प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में अब परीक्षा भी तय वक्त पर करवाना मुश्किल दिख रहा है। परीक्षाओं का पता नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन सत्र शुरू करने तक संकट। आपको बता दें प्रदेश के विश्वविद्यालय कॉलेजों में परीक्षाएं होंगी या नहीं इस पर तो फिलहाल निर्णय होना बाकी है, लेकिन विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एडमिशन लेकर नया सत्र शुरू करने को लेकर लॉकडाउन बढ़ने की वजह से बड़ा संकट खड़ा हो गया है। राज्य सरकार से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स इसको लेकर चिंतित है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केंद्र की तरफ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश मिल रहे हैं। ऐसे में परीक्षाएं, एडमिशन और समय पर यानी 1 जुलाई को नया सत्र शुरू करना चुनौती भरा हो गया है। शिक्षकों को स्कूल आने की छूट मिले तो बेहतर हो सकेगी ऑनलाइन शिक्षा। आपको बता दें केंद्र सरकार की गाइडलाइन में शिक्षण संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध है, लेकिन राज्य सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि निजी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जबकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा दी जा सकती है। सरकार को चाहिए कि शिक्षकों को स्कूल आने की छूट दे तो ऑनलाइन शिक्षा बेहतर दी जा सकती है। राजस्थान भर्तियों को लेकर बड़ी खबर, 15 भर्तियों के 37,000 पदों पर परीक्षाओं की तिथियों को लेकर लॉकडाउन हटने के बाद होगा निर्णय। आपको बता दें राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2 वर्ष पहले 2018 में 15 भर्तियां निकाली गई थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। इन भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर अब लॉकडाउन हटने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें वर्तमान महामारी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने कई अभ्यर्थियों के नौकरी लगने के सपने पर संकट खड़ा कर दिया है। इनमें कुल 36,981 पद हैं, इनमें से 5 भर्तियों के 4,604 पदों पर तो 2 साल बाद भी भर्ती परीक्षाएं होना बाकी है। इनमें से लाइब्रेरियन, फार्मासिस्ट, व्याख्याता, संस्कृत शिक्षा की भर्ती परीक्षाएं तय हो चुकी थी, लेकिन महामारी के चलते परीक्षाएं नहीं हो पाई। यही नहीं, 4 भर्तियाँ ऐसी हैं जिनके 9,321 पदों पर परीक्षाएं तो हो गई लेकिन अंतिम परिणाम का अभी इंतजार है। इन सबसे हटकर 6 भर्तियों के 23,056 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम, दस्तावेज चयन सहित सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। CBSE और UGC ने महामारी के प्रकोप को देखते हुए अपने एग्जाम को स्थगित करने की सूचना काफ़ी समय पहले दे दी है। बच्चों और पेरेंट्स में धैर्य बना रहे इसलिए नए आदेशों के नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन अब काउंसलिंग फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड ने भी नियमों की घोषणा की, जिसके मुताबिक
ICSE बोर्ड फॉलो कर रहे स्कूल्स अपने 10वीं क्लास स्टूडेंट्स को प्रोविजनल तौर पर 11वीं क्लास में एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए प्रोविजनल एडमिशन दिया जा सकता है। प्रदेश के 292 गवर्नमेंट कॉलेजों के लेक्चरर्स ने लॉकडाउन के दौरान ई लेक्चरर कंटेंट नोट्स बनाकर छात्रों को पढ़ाने का काम किया। उन्हें कॉलेज आयुक्तालय प्रशंसा पत्र देने की तैयारी कर रहा है। नवचयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में होगा विलंब। आपको बता दें, वर्तमान महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन 3 अब शुरू हो चुका है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग में 2018 की सीधी भर्ती से चयनित सेकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति का काम भी रुक गया है। नवचयनितों को नियुक्ति मिलने में विलंब होगा। लॉकडाउन से पूर्व RPSC की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को विभिन्न विषयों के लगभग 6,000 चयनितों के आवेदन फॉर्म भेजे गए थे। पंचायत सहायकों कार्यकाल बढ़ाने का इंतजार। आपको बता दें, 3 साल की सेवा देने के बाद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों में लगे करीब 25,000 पंचायत सहायकों का हर साल सेवा विस्तार के आदेशों का इंतजार करना पड़ता है। हर वर्ष मई महीने में इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। इसके बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने से पंचायत सहायकों की परेशानी बढ़ गई है। सरकार भी इस समस्या का स्थायी समाधान करने की बजाय महज आश्वासन दे रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से कहा, वहीं रहे, अब प्रिंसिपल दे रहे हैं नोटिस। लॉकडाउन में 54,000 शिक्षक चल रहे थे छुट्टियों पर। आपको बता दें, महामारी फैलने के कारण स्कूलों में छुट्टियां होने पर करीब 54,000 शिक्षक अपने घर चले गए थे। बाद में निदेशालय ने उन्हें वापस मुख्यालय लौटने से मना कर दिया। अब प्रिंसिपल नोटिस जारी कर उनसे अटेंडेंस मांग रहे हैं। इससे शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन पर संकट खड़ा हो गया है। तो साथियों, ये थी 4 मई 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक अपडेट लगातार पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, और प्रत्येक खबर सुबह और शाम लगातार आप तक मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की जुड़ी साथियों।